हाय फूडीज़, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग हेल्दी होंगे, सेफ होंगे और मेरी रेसिपीज़ ट्राई कर रहे हो, कुछ ना कुछ एज़ यूजल अच्छा बना के खा ही रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी है वो है बिरयानी की। तो चलिए जल्दी से बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो हमें अपना चिकन मैरिनेट करना है। उसके लिए हम उसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 3 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। मैंने यहाँ पे 500 ग्राम चिकन लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग इसका रेशियो अप डाउन कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 पिंच रेड फूड कलर डाला है, आप इसको टोटली स्किप कर सकते हैं। इसमें अब हम ऐड करेंगे 1/2 लेमन जूस और साथ में नमक। उसके बाद हम अच्छे से चिकन को मसाज देंगे, सारे ही जो भी हमने चीज़ें डाली हैं, सारी स्पाइस डाली हैं, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अच्छे से चिकन को मसाज देंगे। उसके बाद मैंने एक बर्निंग कोल लिया है, मैंने बस कोल लिया था और उसको गैस पे हीट किया। उसके बाद मैंने कटोरी ली, उसमें ये जो कोल लिया था उसको मैंने रख दिया, उस पर थोड़ा सा ऑयल डाला और उसको ढक के रेफ्रिजरेट कर दिया 2 आवर्स के लिए। तो ये जो स्मोकी फ्लेवर देगा चिकन को वो बड़ा अच्छा लगेगा। उसके बाद बस इसको गोल्डन फ्राई करना है और फिर हम इसे बाद में अपनी बिरयानी में मिक्स करेंगे। हमें अपना चावल बनाना है अलग से, उसके लिए मैंने पानी लिया है। मैंने 500 ग्राम्स चावल के लिए पानी लिया है, तो मैंने इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं, 2 तेज़ पत्ते, दालचीनी, इलायची, लौंग, काली मिर्च और उसके बाद मैंने यहाँ पे 1/2 किलो बासमती चावल डाला है। बस हमें अच्छे से इसको पकाना है, थोड़ा सा तेल डाल के, ताकि ये चिपके नहीं, चिपक चिपक वाले नहीं बने। और सॉल्ट हम टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। इसको हमें सिर्फ 80% कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना, क्योंकि हम इसे बिरयानी में फिर से कुक करेंगे। तो बस हमें 80% तक इसको कुक कर देना है जब तक, और फिर इसको स्ट्रेन करके रख देना है और उसके बाद हम अपनी बिरयानी की तैयारी करेंगे। तो जब तक मैं तैयारी करती हूँ, आप भी अपना काम कर दीजिए, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आप बिरयानी लवर्स हैं तो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप न्यू हैं, और ये बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आपको मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर मिलते रहें। बिरयानी के लिए हमने एक पॉट लिया है, उसमें मैंने 3 टेबल स्पून ऑयल डाले हैं और कुछ खड़े गर्म मसाले डाले हैं, 3 तेज़ पत्ता, दालचीनी और इलायची, हरी इलायची, काली बड़ी इलायची। उसके बाद हमने चॉप्ड अनियंस डाले हैं, अच्छे स्लाइस अनियन डाले हैं, चॉप्ड अनियंस नहीं। और मैं सारी क्वांटिटी एज यूजुअल नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। और ये मेरी थोड़ी पुरानी वीडियो बनाई हुई है, पहले से बनाई हुई है, जब मैंने रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट करी थी, तो थोड़ा आप चीज़ों को इग्नोर मार दें। बस इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे प्याज को, और इसमें हम इसके बाद ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। उसको हम अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम अपने मसाले ऐड करेंगे इसमें, वो जो है हल्दी, धनिया, मिर्ची। तो हल्दी हमने यहाँ पे 1 टीस्पून ऐड करी है, लाल मिर्च पाउडर हमने 1 टीस्पून ऐड किया है और 2 टेबल स्पून हमने यहाँ पे अपना धनिया पाउडर ऐड किया है। उस बाद सारे ही मसालों को हम अच्छे से भून लेंगे। हम यहाँ अपनी ग्रेवी में ऐड करेंगे नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक हम थोड़ा कम डालेंगे, क्योंकि हमारे चावलों में भी नमक था और हमारे चिकन में भी नमक था, तो हम यहाँ पे कम नमक डालेंगे। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून गरम मसाले पाउडर का और 1 टीस्पून चिकन मसाले का। अगर आपके पास बिरयानी मसाला है तो आप वो उसमें डाल सकते हैं, मैं क्योंकि इजी रेसिपी बता रही हूँ इसलिए मैंने चिकन मसाला और गरम मसाला डाला है। उसके बाद हम यहाँ पर डालेंगे 3 टेबल स्पून कर्ड का दही और उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, चलाते हुए गैस का फ्लेम लो रहने देंगे ताकि दही फटे नहीं। उसके बाद यहाँ पे हम ढेर सारा हरा धनिया डालेंगे और डालेंगे पुदीना। पुदीना या बिरयानी को बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा, आप इसको ऐड करना, बहुत
तो अच्छा टेस्ट आता है पुदीने का और ग्रेवी भी बहुत अच्छी बनती है। इसके बाद हम इसको अच्छे से भूनेंगे और अपने जो चिकन हमने फ्राई करके रखा था वो इसमें ऐड कर देंगे। चिकन को हम मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसे थोड़ी देर भूनेंगे और इसके बाद हम अपनी बिरयानी की तैयारी करेंगे। हमने एक पॉट लिया है जिसमें मैंने नीचे पहले चिकन डाला है, उसके बाद मैंने चावल का एक लेयर डाला है, उसके बाद फिर से उसमें चिकन ग्रेवी और चिकन के पीसेस हम ऐड करेंगे और उसके बाद फिर से हम उसमें अपना चावल का एक और लेयर ऐड करेंगे। ऐसे ही करते करते हमने तीन लेयर्स बना लिए हैं और लास्ट में बस मैंने चावल के जो लेयर बनाई है उसके ऊपर फूड कलर से इसको गार्निश कर दिया। मैंने रेड और ग्रीन कलर लिया है, आपके पास जो भी कलर है आप वो ले सकते हैं और इसे 15-20 मिनट के लिए दम पे रख के छोड़ देंगे। उसके बाद ये हो गई है रेडी। मैं ऐसे जा रही हूँ खाने और आप भी बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे बताइए कि कैसी बनी। मैंने इसे चटनी के साथ सर्व किया है और मुझे इसकी खुशबू से बड़ी तेज़ भूख लग रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, जब तक के लिए डू व्हाटएवर यू वांट टू डू बट डोंट फॉरगेट टू ईट एंड रिपीट। बाय बाय।